नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज मैं जा रहा हूँ भिवानी कुछ एक्सेसरीज लगवाने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक कराने के लिए। देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ट्रिप को जीरो करते हैं और देखेंगे कि आज के ट्रिप में हमें कितनी एवरेज मिलेगी। Just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go. ये हमारी ट्रिप जो है वो जीरो हो चुकी है। Now my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में कुछ और अपडेट कराने के लिए, कुछ एक्सेसरीज लगवाने के लिए। तो जैसे ही जो भी अपडेट होंगे वो आपको इस वीडियो में साथ के साथ दिखाएंगे हम। क्या उसका रिव्यू है, क्या प्राइस है और कैसा गेटअप है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, हम आपके साथ। ये जो पुल है ना, दादरी का सबसे गंदा पुल। तो भिवानी की जो है, मैं अपने साथी योगेश सर के साथ जा रहा हूँ। मेरे साथी हैं योगेश जी, योगेश जी के साथ जा रहा हूँ। और जो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और आज फुल मस्ती करेंगे। फिल्म का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखने जा रहे हैं। और योगेश जी जो हैं आगे मुझे रास्ते में ही मिलेंगे। वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेट हम हैं, वो नहीं। देखिए, जैसे ही हम 80 की स्पीड क्रॉस करेंगे तो बीप की साउंड हमें जो है वार्निंग बेल जो बजेगी 80 की स्पीड के ऊपर बीप की साउंड। ये देखिए, ये है कि आप अपनी स्पीड को लिमिट में चला सकते हैं 80 से नीचे, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है टाटा पंच में। The grind, I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings. अब देखिए, एवरेज जो है वो 14.4 की एवरेज आ चुकी है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हमारी एवरेज भी बढ़ रही है। और ये यहाँ देखिए, अगर आपको एवरेज लेनी है ना, तो आप ये जो मीटर है इसके हिसाब से चलिए। गाड़ी के हिसाब से चलोगे तो आप अपना जो है एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे कि अभी गाड़ी फिफ्थ गियर में है, यहाँ देखिए ये अगर फुल लाइट होगी, ये देखिए अब ये पूरा है, तो अब एवरेज हमें बहुत अच्छी मिलेगी। सेवन आ चुकी थी, 6 आ गई है अभी। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है। हमारी जो स्पीड है 70-80 चल रही है, क्योंकि 80 से ऊपर हम नहीं जा सकते। इस रोड पर चेकिंग रहती है मोस्टली, तो हम 80 से नीचे ही रहेंगे। 70-80 ही हमारी गाड़ी कोशिश रहेगी कि 75-80 ही चले। और अभी हम जो है पैतावास पहुंचने वाले हैं, जहां हमारे योगेश सर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं अड्डे पर। राइट साइड में गाड़ी खड़ी है, पता नहीं है क्या हो रखा है इसको, गाड़ी को आग लगा रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी है। किसी को पता लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कौन सी गाड़ी है। पंचर की दुकान कहाँ है, पंचर की दुकान। ये आ गए हैं मिस्टर योगेश जांगड़ा जी, देख सकते हैं आप। तो हमारे साथ योगेश जी आ चुके हैं। हेलो योगेश सर। हेलो। देखिए योगेश सर के सीट के ऊपर बैठते ही गाड़ी बोलने लगी है, समझ जाओ। बेल्ट लगा लो भाई, बेल्ट लगा लो। Thank you.
और ये देखिए स्विफ्ट जो है हमसे आगे जाना चाहती है, जाओ भाई जाओ। ये सनसेट किसके, देखिए क्या लगा रखा है, अरे भाई सनसेट लगा लो। ये नया रास्ता है, हम इधर से चलेंगे सरज भाई। बंद करो भाई, योगेश जी ने जो है पता नहीं कौन से रास्ते पे निकाल दिया, गूगल बाबा ने हमें हाईवे से उतार कर यहाँ ले आया गूगल बाबा। लगा दीजिए सर व्हील कैप। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, स्पेशल बिस्तरे जी हैं ये हमारे। अच्छा जा अलाइनमेंट चेक कर देंगे सर, खड़ी गाड़ी का अलाइनमेंट बता देंगे। निकाल के ये नट यहाँ ये लगा दी, ये ऊपर ऊपर रहेगी, फिर ये कैप ऊपर ऊपर रहेगी, ये अंदर फिक्स थी, इसमें टाई लगा दोगे अब। अच्छा वो बाहर वाले तो लगाते हैं ना, वो टाई लगाते हैं। तो टायर मान लो पंचर हो जब काटने का तरीका और बता देना। क्यों कभी वो आप वाली बात निकले नहीं, मेरे को उससे अपनी चेंज करनी हो तरीका जरूर बता दीजिएगा। हाँ जी निकालने का, अच्छा पकड़ के खींच लो बस। जोर लग रहा है भाई साहब। देखियो बीच में से ना टूट जाए। देखियो आराम से, लो जी हाँ भाई साहब आराम से। गाड़ी हिला दिया आपने तो, ये देखिए।
लगाते हुए, क्यों साहिल जी? एक दिन पहले नहीं लगाई थी, अब इसको रिपेयर कर दिया आपने। साथ में टच होगी क्या भाई साहब इसके? ये थोड़ा गैप ही रहेगा, ये वाला गैप, ये थोड़ा गैप रहेगा, गैप नहीं जोगे ना आप? हाँ तो जरूर इसके। हाँ ठीक है साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने दोबारा से हमारे ग्रुप के साथ बहुत बढ़िया से साहिल जी ने, और प्रतीक जी ने पहचान लिया साहिल जी को आते ही, बोला कि ये तो सर आपके ग्रुप देखा है मैंने, और ये लगा तो गाड़ी के रूफ रील चेंज हो चुके हैं, दोबारा से पेस्टिंग की है, बहुत टाइम लगा इसमें, साहिल जी ने बहुत कोऑपरेट किया और इसको उतार के क्लीन करके अच्छे से और बहुत अच्छे से दोबारा पेस्टिंग की है, तो उम्मीद करते हैं दोबारा नहीं उतरेगी, अगर उतरेगी तो भी सोल्यूशन बता दिया है साहिल जी ने, तो साहिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहिल जी। हमारे व्हील कैप भी आ गए हैं और अब देखते हैं अब क्या कराएंगे, और अब हम जा रहे हैं योगेश सर के साथ में सन सिटी मॉल, वहाँ पर हम मूवी देखेंगे, शो मिलता है, देखते हैं कौन सा शो मिलता है, कौन सी टिकट मिलती है, तो मिलते हैं थिएटर। भाई साहब दो दे दो टिकट, दो टिकट डॉक्टर स्ट्रेंज ऊपरी देनी है ना। तो भाई अभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज देखेंगे 7 बजे का शो, योगेश जी और मैं दो टिकटें ले ली हैं, अभी हम चल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो अब थिएटर में डॉक्टर स्ट्रेंज देखेंगे। काफ़ी दिनों लॉकडाउन के बाद ये पहली मूवी है डॉक्टर, आपने देखा क्या? हाँ इधर से हाँ नहीं देखी तो आज 3D में जाओगे आप, डबल चश्मे लगा कर रहेंगे। डोमिनोज में आ गए हैं योगेश जी, पिज्ज़ा खिलाएंगे, पिज्ज़ा मेकिंग चल रही है भाई, ब्रांड है भाई जी, ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही कहा, ये गाड़ी को पैक कर लेते हैं, वो मिशन चल रहा है ना, तो फिर तो अब हम लोग 7 बजे का शो मिला है तो 7, 9, 9:30 बजे तक पहुँचेंगे, 9:30 बजे ये जो बीप की साउंड है ना, ये कोई बता सकता तो कमेंट में बताइए कितनी देर बजती है, मैंने तो काउंट कर रखा है कितना समय है और कितनी बीप बजती है, ये योगेश सर गैस करो कितनी बीप है, कितनी समय तक? 10-12
आप आइडिया तो बताओ कितनी बीप होंगी, कितनी होंगी? 90 बीप साउंड है और 1.5 मिनट का समय है। ये आ गए स्पेशल मार्केट में, सर को दही के छोले खिलाते हैं। दही के छोले तो बताओ क्या खिला, क्या खाओगे? देख लो क्या है, क्या होते हैं दही के छोले? दही के छोले अभी देखते हैं यहाँ। ओहो तो खड़ी नहीं है शॉप की जो छोलो बोलो वाले। भाई अब हम आ चुके हैं थिएटर में और ये 3D ग्लासेस पहन लिए हैं सेल टू सेल। अब इसमें जो 3D नजर आ रहा है मेरे को, 3D ये योगेश जी है देखो 3D में है मेरे पास सामने खड़े है। ये योगेश जी कह रहे हैं मेरी फोटो खींच दो कोई अच्छी सी, अभी खींचते हैं फोटो योगेश जी की। भाई जा रहे हैं थिएटर में देखने के लिए। करी हमारी टाटा पंच और अब हम जाने के लिए तैयार। चलो भाई काट दे तू। अब क्या सलाह है? सलाह तो क्या थी, चल रहे हैं अभी। बताऊं आपको मैं स्पेशल फलूदा खिलाता हूँ यहाँ का। दीवानी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, अभी आपको खिलाएंगे बॉम्बे फालूदा। ये रहा बॉम्बे फालूदा, यहाँ खाएंगे हम जी सामने। लव जी थैंक यू। पकड़ो पकड़ो, ये आ गया स्पेशल फालूदा। लो पकड़ो ये स्पेशल आइसक्रीम। चलो जी आइसक्रीम। एवरेज तो दे रही है हमें, हम सिटी के अंदर से आए हैं, 14.2 की एवरेज शो हो रही है हमें। अब देखते हैं कितनी बढ़ाती है हमारी गाड़ी एवरेज। तो भाई बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा आज का, आज का बहुत अच्छा व्लॉग रहा। और जैसा कि मैंने बताया था हमने जब गाड़ी से चले थे तो हमारी एवरेज हमने जो मीटर को जीरो पे सेट किया था, तो आज जो है 72 किलोमीटर, वाह 72 किलोमीटर हमारी गाड़ी रन किया है और जिसमें हमें 15.4 की एवरेज अभी तक दी है। तो अभी 7 किलोमीटर और जाना है घर पे। मूवी देख के आए थे, मूवी बड़ी अच्छी थी भाई, और जिसमें कि 3D जो ग्लास दे रखे थे ना, 3D के चश्मे दे रखे थे, वो बहुत ही चीप क्वालिटी के थे, उनसे जो है ना 3D का लुक ही नहीं आ रहा था भाई। हमने तो क्या किया, बीच में उसको उतार के रख दिया, इससे अच्छा तो हम जो है ना बिना चश्मे के देख लिया हमने तो। तो बहुत मज़ा आया जो देख सकते हमारे साथ में। और डॉक्टर स्ट्रेंज का नया अवतार देखा, बहुत अच्छी मूवी थी, आप भी देख सकते हैं। ये हम जा रहे हैं गांव से, गांव सो गया है, सब कुछ सो गया है। सो गया ये जहां सो भाई बंद ना हो टाटा पंच। इसमें जो एक फीचर दे रखा है, जैसे आप न्यूट्रल करके क्लिच को छोड़ेंगे उठा लेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अच्छा फीचर भी है लेकिन रेड लाइट एरिया में ये चीज़ काम आ जाती है। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं, ये तो बस रास्ता हैवी था, ट्रैफिक था, ट्रक स्पीड में जा रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है ब्रेक लगा दिए, तो गाड़ी ने समझा कि स्टॉप आ गई, रेड लाइट आ गई, बंद हो गई थी गाड़ी।
भाई लेट में लेट से ही ट्रेन आ रही है, ट्रेन जाएगी फाटक खुलेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये